बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन माननीय ईडी, जीएम, डीजीएम एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा होना है। यह इवनिंग 27 अक्टूबर को कांके प्रखंड के सीआईपी प्रांगण में 11 बजे लाभुकों को ऋण वितरण करने का आयोजन भी किया गया है। इसको लेकर के आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया कि लाभुकों के बीच बैंक जागरूकता और ऋण वितरण करने का कार्य सदियों से करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। आसपास का है, हमारे यहाँ पे 200 एटीएम कार्यरत हैं और रफली 407 बीसी पॉइंट्स भी है, जिसके तहत हम लोग ग्राहकों को सारी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। अभी आप लोग को पता होगा कि कोरोना महामारी के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था, देश की और इनफैक्ट पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे इसका बड़ा प्रतिकूल असर पड़ा है। तो एक हमारे बैंक की तरफ से क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम ऋण, ये हम लोग एक आयोजित कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोग ऋण की सुविधा सारे जरूरतमंदों को, कृषि संबंधित, पशुपालन संबंधित और भी रिटेल और एमएसएमई में हम लोग इसको प्रदान करेंगे, जिसके कारण उन सभी व्यक्तियों की आय इम्प्रूव हो और राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो। तो हमारा सतत प्रयास रहेगा कि हम राज्य में अधिक से अधिक अपने डिजिटल प्रोडक्ट को भी इसमें हम लोग प्रमोट करें, जिसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कार्य करने की जो आसान है, सुगमता है, वो सभी ग्राहकों को प्रदान हो, मिले और अच्छा से अच्छा हमारे डिजिटल प्रोडक्ट को ये यूज करें। तो इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पे आउटरीच प्रोग्राम भी आयोजित कर रहे हैं, जो कल कांके में होने वाला है, और हम आशा करते हैं कि हमारे इस प्रयास से ऋण भी हमारे बैंक का और राज्य में भी जो ऋणी जिनको ज़रूरत है उनको उनकी आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी और उनकी भी इनकम जो आय है बढ़ेगी। तो लेके ही नहीं, केसीसी, पशुपालन, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप, सारे चीज़ों, महिलाओं को एसएचजी एनआरएलएम के अंदर सब कुछ, सारे चीज़ों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है सारे हमारे शाखाओं को, और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उच्च स्तरीय उसको ये किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, और हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं कि ये हम सारे टारगेट